सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मैं क्रिएटर डार्क नाइट एडिशन। भाई बहुत पहले लॉन्च हो चुकी थी, बहुत पहले ही मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था और कुछ शोरूम में अवेलेबल भी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया था। और अब मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ उसका डार्क एडिशन। और डार्क एडिशन में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और क्या इसकी प्राइस रहने वाली है ऑन रोड या और एक्स शोरूम प्राइस का क्या रहने वाला है शोरूम के अंदर, आज हम वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब इसके लुक्स के बारे में बात करते हैं और बाहर से इसके लुक्स ही स्टार्ट करते हैं, तो कि इसके लुक्स में हमें क्या क्या डिफरेंस मिल जाता है और क्या मेन चीज़ है इसमें जो डार्क नाइट एडिशन इसे नाम दिया गया है। तो सबसे पहले फ्रंट लुक में आओगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ड्राइव बीम LED हेडलाइट मिल जाएंगी और DRL भी आपको यहीं देखने के लिए मिल जाते हैं। DRL और हेडलाइट मैं जला के दिखा देता हूँ कि आपको लुक कैसे देखने के लिए मिलेगी। तो भाई ऐसी कुछ आपको DRL देखने के लिए मिलेगी, इसकी सी टाइप में DRL देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर मतलब ये हाई बीम पे चलेगी तीसरे वाली जो है, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फॉग लैंप और साथ में आपको फॉग लैंप में कॉर्निंग लैंप का फंक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है इसका इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसमें जो नीचे दिखी गई है। अब जो डार्क नाइट एडिशन है उसमें हमारी ये वाली जो प्लेट है पूरी, ये पूरी की पूरी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिल जाती है, ग्लोसी ब्लैक भी आप इसे बोल सकते हो। और साथ ही ये वाली जो मेन ग्रिल है अपनी क्रेटे की सेंटर वाली, ये भी आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। और इसमें एक और चीज़ मिल जाती है, रेड कलर का एसेंट देखने के लिए मिल जाता है आपको, जो दोनों साइड देखने के लिए मिलेगा। अगर सेंट्रल से बात करोगे ना तो ऐसे कुछ आपको ये देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा भाई क्योंकि बाहर शोरूम के बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करना। और साथ में ये जो आपका हैंडी का लोगो दे रखा है, ये भी आप कुछ कुछ मतलब ग्रेस टाइप में, मतलब कुछ कुछ जो प्रॉपर क्रोम नहीं है, क्रोम है लेकिन एक ब्लैक टाइप में जो क्रोम आता है ना, वो जो आपको नए वाली वेन्यू में देखने के लिए मिलेगा, सेम उसी टाइप में आपको हंडे का लोगो देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर। और ऐसा जिसमें कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको टोइंग हुक देखने के लिए मिल जाता है और सेम यहाँ पर वही लाइटिंग सेटअप है जो आपका राइट साइड में दे रखा था, तो ऐसा कुछ इसका लुक देखने के लिए मिल जाएगा आपको। अब बात कर देते हैं इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। तो साइड प्रोफाइल में आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको जो अलॉय व्हील है ये भी आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलेगा, और भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मतलब देखने में। और रेड कलर का जो इसमें ब्रेक कैलिपर दे रखे हैं वो भी बहुत बेहतरीन लग रहे हैं भाई, मतलब सही में कमाल की लुक आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक देखने के लिए मिल जाता है। टायर साइज़ की बात करोगे तो इसमें आपको जो टायर साइज़ देखने के लिए मिल जाएगा वो 17 इंच का टायर देखने के लिए मिलेगा भाई, ये लिखा R17 और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर है ये, क्योंकि ये सो भाई अगर रियर प्रोफाइल की बात कर लोगे, मतलब रियर प्रोफाइल में सबसे पहले हम पीछे वाले टायर की बात करते हैं तो 17 इंच का सेम टायर मिलेगा इसमें भी हमें, और चारों डिस्क ब्रेक इसमें कंपनी ऑफर करती है। लेकिन इसका जो रियर कैलिपर है वो भाई आपको रेड कलर का नहीं देखने के लिए मिलता, ये शायद आप करवा लेना बाहर से तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर डोर हैंडल्स की बात करोगे तो यहाँ पर बॉडी कलर में डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। और रिक्वेस्ट सेंसर की बात है तो मैं आपको इसकी की भी चेक करा देता हूँ साथ के साथ ही कि कैसी की इसमें देखने के लिए मिलेगी। की बात करोगे तो इसमें आपको लॉक अनलॉक और होल्ड और एक होल्ड करके स्टार्ट का ऑप्शन है, मतलब इसमें आप इंजन स्टार्ट कर सकते हो शायद। और ये बूट के लिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, चाबी रख देते हैं फिलहाल के लिए अंदर। और सबसे पहले रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो रियर प्रोफाइल आपको ऐसे कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं, साथ में हमें इसमें रियर वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर देखने के लिए मिल जाएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया प्लान ब्लैक फिनिश मिल जाएगी इसमें पूरे में यहाँ पर, और टेल लाइट इसमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। हंडे का लोगो क्रेटा की बैजिंग इसमें सेंटर में दे रखी है, यहाँ पर आपको डार्क नाइट की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी डार्क नाइट एडिशन के अंदर। और साथ ही यहाँ पे आपको SX वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब SX वेरिएंट है ना तो बैजिंग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और बूट खोल लेते हैं, बूट में सबसे पहले आपको रियर कैमरा मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा क्रेटा में बूट स्पेस मिलता है भाई, ये तो आप लोगों को पता ही है, और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब बूट स्पेस भाई ठीक है बहुत अंदर डीप में। और भाई बोस का प्रीमियम स्पीकर सेटअप इसमें देखने के लिए मिल जाता है, सब बूफर यहाँ पर दे रखा है, बोस की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, तो स्पीकर का आउटपुट जो होगा नो भाई कोई मतलब डाउट ही नहीं है उसमें, बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही यहाँ पे हैंड दे रखा है आपको बंद करने के लिए, तो आप इसे यहाँ से आराम से बंद कर सकते हो। और अगर रिक्वेस्ट मतलब पार्किंग सेंसर्स की बात करोगे तो चार पार्किंग सेंसर्स में देखने के लिए मिल जाते हैं इसके अंदर हमें यहाँ पर। और जो रियर गियर लाइट होती है इसमें वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी आपको, और लेफ्ट साइड की जो प्रोफाइल है वो ऐसे कुछ देखने के लिए मिलेगी। डीजल वेरिएंट है ये, 6 स्पीड का है ऑटोमेटिक में, ये लिखा हुआ यहाँ पर 6 स्पीड का गेयरबॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ORVMs की बात करना भूल गया था, मतलब ORVM मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा, और ब्लैक कलर के अंदर आपको यहीं पर आपको इसमें इंडिकेटर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप लॉक करोगे गाड़ी को तो ये लॉक हो जाएंगे चाबी से, मतलब फोल्ड हो जाएंगे, और जब आप अनलॉक करोगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। सबसे पहले अब इसके रियर सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर
हैंडल देखने के लिए मिल जाएगा क्रोम का, यहाँ पे आपको सनशेड देखने के लिए मिल जाएंगे भाई। इसमें कंपनी से ही दे रखे हैं ये, काफ़ी अच्छा फीचर्स में आपको मेरे को लगता है। और यहाँ पे आपको मैट कलर में मिल जाएगा ये पूरा पैटर्न। और यहाँ पर बोस का प्रीमियम सेटअप, जैसे कि मैंने आपको बताया था बोस की बैजिंग यहाँ पर दे रखी है, 1 लीटर का बॉटल होल्डर यहाँ पर दे रखा है आपको, एक इसका प्लेट दे रखी है क्रोम वाली, और साथ ही जो सीट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छी दे रखी हैं। इसमें आर्म रेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है आपको, रियर आर्म रेस्ट, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसमें हेड रेस्ट, और साथ ही दो ही हेड रेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं भाई। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यार इसमें, देखो मतलब भाई कुछ कहना ही नहीं है स्पेस के बारे में, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाता है, सीट कंफर्ट नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीट कंफर्ट इसमें देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आप स्पेस की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे आपको हेडरूम के अंदर। और भाई यहाँ पे आपको सनरूफ दे रखी है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपकी सनरूफ ओपन करके दिखाता हूँ आपको कैसी सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है भाई। इसमें सनरूफ यार मतलब फील ही गजब आ रही है, और ये देखो भाई बिल्कुल बेहतरीन व्यू देख सकते हो आप, काफ़ी बेहतरीन व्यू है इसके अंदर, काफ़ी मतलब बड़ी सनरूफ दे रखी है इसमें भाई, पैनोरामिक सनरूफ है तो काफ़ी अच्छी बात है, और पूरी बिल्कुल पीछे तक है ना तो वो भी बहुत बेहतरीन लग रही है। साथ ही यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप देखने के लिए मिल जाएंगे जो वाइट कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ग्रैब हैंडल यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, और सनरूफ को बंद कर देते हैं यार, मतलब फीचर तो काफ़ी अच्छे खास हैं भाई इसमें, टॉप मॉडल है रेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर रियर एसी वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है, और रियर एसी वेंट के नीचे ही आपको यहाँ पर यूएसबी का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है भाई, क्योंकि एसी थोड़ा तेज़ कर रखा है तो थोड़ी बहुत विंडो सिस्टम आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर देना भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है एयर प्योरीफायर, यहाँ से इसे बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, तो ये भाई यहाँ पर बंद करने का ऑप्शन दे रखा है ठीक है। और अभी फिलहाल फ्रंट सीट में चलते हैं, फ्रंट सीट में आपको क्या क्या फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एडजस्टिंग आपको सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर सीट बेल्ट की हाइट एडजस्ट कर सकते हो आप, सबसे मेन चीज़ मैंने आपको यही बता दी है। और फिलहाल आगे चलते हैं गेट पर, और आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या फीचर इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आप जो है डोर देख सकते हो, डोर की लुक देख सकते हो, यहाँ पर लॉक और अनलॉक के लिए बटन दे रखा है, यहाँ पर फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए बटन दे रखा है, ORVMs के लिए यहाँ पर चारों पावर विंडो दे रखी हैं, और ये आपको डोर हैंडल मिल जाता है मतलब डोर खोलने के लिए, यहाँ पर लॉक और अनलॉक यहाँ से होती है भाई, और यहाँ से इसे अनलॉक कर लो। और यहाँ पर देखो आपको सॉफ्टवेयर देखने के लिए मिल जाता है, बिल्कुल रेड स्ट्रिपिंग के साथ आपको सॉफ्टवेयर मटेरियल देखने के लिए मिलेगा, साथ ही यहाँ पर आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर। अब इसकी सीट एडजस्टमेंट देख लेते हैं, सबसे पहले भाई इसमें इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्टमेंट दे रखे हैं भाई आपको, और ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी दे रखी है देखो, तो ये काफ़ी अच्छी खासी बात है। यहाँ पर आपको 2 बटन दे रखे हैं सीट एडजस्टमेंट करने के लिए। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, ओ भाई 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 मतलब क्या बेहतरीन एसी है यार, मतलब मज़ा आ गया। सबसे पहले एसी मैं लो पर कर देता हूँ, और सीट बिल्कुल पीछे कर देता हूँ इसकी, जिससे मैं आपको आराम से बता सकूँ ठीक है, और कंफर्टेबल कर देते हैं बिल्कुल। हाँ तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो आप, इसका स्टेयरिंग ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है यार, स्पेस के मामले में नो डाउट काफ़ी मज़ा आया, मतलब यार देखने में बिल्कुल रियल SUV वाली फील आ रही है, ऐसे तो सब कॉम्पैक्ट SUV में मज़ा आती है ये, और भाई काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिलेगी, साथ ही आपको हॉर्न ऐसा कुछ देखने के लिए मिल जाता है, और भाई पैडल शिफ्टर इसमें आपको दे रखे हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर, और फिलहाल हेडलाइट ऑटो पकड़ देता है क्योंकि अंदर तो भाई कुछ है ही नहीं ठीक है। और साथ ही यहाँ पे बोस का प्रीमियम सेटअप, जैसा मैंने आपको बता दिया था भाई, बोस का प्रीमियम सेटअप काफ़ी अच्छा खासा आउटपुट रहने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, स्टार्ट ऑफ वगैरह, हेडलाइट लेवलिंग का बटन आपको यहाँ पर दे रखा है, और साथ ही इसमें बात कर लेते हैं स्टीयरिंग हाइट की, हाइट एडजस्टमेंट है मतलब टिल्ट है भाई, टेलीस्कोपिक है या नहीं है, टेलीस्कोपिक नहीं दे रखा, केवल टिल्ट एडजस्टमेंट है इसमें स्टीयरिंग में ठीक है। और देख सकते हो आप ऐसे कुछ इसमें स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है लेफ्ट में RPM मीटर, और साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है गियर नॉब वगैरह, मतलब गियर इसमें आप देख सकते हो, और भाई मतलब अच्छा खासा, मतलब डीजल में भाई माइलेज भी मिलेगा आपको काफ़ी अच्छा खासा ऑटोमेटिक के अंदर। यहाँ पर आपको IRVM देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको ऑटोमेटिक वो मिल जाता है IRVM, तो यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं सनरूफ के लिए, यहाँ पर लाइट मिल जाती है जो कि वाइट कलर में है तो भाई काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर टिकट होल्डर मिलता है, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर केवल वैनिटी मिलता है, लाइट नहीं दे रखी है। अब यहाँ मेन कंसोल की बात कर लेते हैं भाई, इसमें मेन कंसोल में क्या है, सबसे पहले तो ये पियानो ब्लैक फिनिश में है तो भाई ये काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो तो ठीक है, नॉर्मल इसे हम मेन्यू में ले जाते हैं क्या क्या है इसमें,
होम का बटन ये रहा, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है इसमें आपको, और कंपास मीटर देखने के लिए मिल जाता है। और मैं देख लेता हूँ इसमें क्या क्या रखा है, एयर है मतलब, ये तो भाई एंड्रॉइड ऑटो प्रकार भी लेता हूँ, वो तो नॉर्मल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन स्क्रीन काफ़ी बड़ी है भाई, मतलब पैसा वसूल है यार, बिल्कुल कह सकते हो आप बहुत आराम से। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक के अंदर गियर नॉब आपको ये 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है भाई। वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर इसमें दे रखा है आपको यार, अरे मतलब भाई बेहतरीन, ये भी बहुत बेहतरीन फीचर है यार, वेंटिलेटेड सीट दे रखी है वो भी दोनों दोनों साइड की। और ये व्यू ये आपको कैमरे के लिए देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पर आप बात करोगे, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। यहाँ पर आपको कम्फर्ट दे रखा है, और सबसे पहले इको दे रखा है, स्पोर्ट्स दे रखा है, और स्पोर्ट्स के अंदर भी स्नो मड सैंड मतलब ये सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपको भाई। अगर स्पोर्ट्स जाओगे तो रेड कलर की MID आ जाती है, और अगर इको में जाओगे तो ग्रीन कलर की आ जाएगी, कंफर्ट में फिर इसमें भी कई सारे हैं स्नो मड सैंड भाई, मतलब ठीक है यार बिल्कुल बेहतरीन दे रखा है। फिलहाल हमने इसे इको में लगा दिया है तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इसे हम ओके कर देते हैं। स्विविंग मोड एसोसिएशन मतलब ठीक है नॉर्मल है भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो गियर बॉक्स, वेंटिलेट सीट, पार्किंग मतलब पार्किंग ब्रेक आप इसमें इलेक्ट्रिकली मिल जाता है, और हटाने के लिए मतलब ब्रेक पैडल हटा के फिर हटाएंगे तो जब हटेगा मतलब ब्रेक पैड दबा के आप लगा सकते हो इसे। और ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल जाता है इसमें। वायरलेस चार्जिंग इसमें आप देखने के लिए मिल जाती है, एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 12V का USB के लिए, और USB फास्ट चार्जिंग मिल जाती है इसके अंदर आपको। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पर, ये जितना भी है ना ये हार्ड है और लेकिन कार्बन फाइबर के लुक में आपको दे रखा है तो ये काफ़ी अच्छा देखने के लिए लग रहा है। और यहाँ पर आपको स्टिचिंग मिल जाती है ब्लैक कलर की, ये भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसमें कूल ग्लोव बॉक्स मिल जाता है आपको, और साथ ही आप देख सकते हो 2 ट्विटर 4 स्पीकर्स, और पीछे सब वूफर दे रखा है एक भाई, बेहतरीन साउंड सिस्टम है। इसका आउटपुट मैं आपको सुना देता हूँ एक बार कि कैसा आउटपुट इसमें रहने वाला है। तो भाई अब मैंने इसमें कनेक्ट कर लिया है अपना ब्लूटूथ, और ब्लूटूथ से मैं आपको NCS का गाना प्ले करके बताऊंगा। इसमें साउंड क्वालिटी नॉर्मल हम चेक कर लेंगे कि कैसे साउंड क्वालिटी इसमें आएगी। और सबसे पहले मैं AC बंद कर देता हूँ उसके लिए, जिससे आपको ठीक ठाक आवाज़ आ जाए इसमें। तो सबसे पहले NCS का हमने ये वाला गाना चलाया है, आप देख सकते हो ये तो भाई फिलहाल ऐड है ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी इसमें क्वालिटी रहने वाली है। तो ऐड स्किप होने का वेट कर लेते हैं सबसे पहले, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसी क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई भाई बस थोड़ी सी एडजस्ट कर देते हैं इसमें, फिर आपको पता चल जाएगी कैसी आवाज़ आ रही है। भाई अगर मेरे हिसाब से बात करोगे ना तो आवाज बिल्कुल भी नहीं फट रही है इसके अंदर ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन आवाज़ आ रही है। और आपके लिए मैं एक बार इसे इंस्टाग्राम पे जो है ना, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना भाई जाकर, आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ पर मैं आपको इसमें आउटपुट सुना दूंगा, या फिर मैं शॉर्ट्स में इसका आउटपुट डाल दूंगा अपने हिंदी सॉन्ग्स पे, तो उसमें आपको आउटपुट पता चल जाएगा कैसा आउटपुट इसमें देखने के लिए मिलता है। तो भाई अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भाई ज़रूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार प्लीज़, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना भाई प्लीज़, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है ना वो जरूर दबाना, और बेल आइकन प्रेस करके जाना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है। फिर से मैं वही कहता हूँ भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। टेक केयर एंड बाय बाय।